नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। कहने को तो चीन पाकिस्तान को ऑल वेदर फ्रेंड कहता है, मगर अब उसी चीन का पाकिस्तान से भरोसा उठने लगा है। 21 अगस्त को जब कुरैशी और वांगी चीन से जम्मू कश्मीर मसले पर ज्वाइंट स्टेटमेंट दे रहे थे, उसमें चीन की घबराहट साफ साफ झलक रही थी। उसके एक दिन बाद ही भारत के विदेश मंत्रालय ने चीन के बयान पर प्रतिक्रिया देकर उसकी घबराहट को कई गुना बढ़ा दिया। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि पूरा पीओके भारत का भी हिस्सा है, जिसे पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जाया हुआ है। भारत के हिस्से पर कोई भी गतिविधि भारत को स्वीकार नहीं है। भारत के इस कड़े रुख के बाद चीन की चिंता बढ़ गई है। उसे डर सता रहा है कि पीओके को बचा पाना पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। अगर भारत ने पीओके को हासिल कर लिया तो चीन के अरबों डॉलर सुहा हो जाएंगे। चीन ने भारत के मंसूबों से घबराकर अपने सीपैक को बचाने की रणनीति तैयार कर ली है। चीन ने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को पीओके से गुजर रहे सीपैक की सुरक्षा में तैनात करने का फैसला लिया है। चीन का सीपैक बिना पीओके के पूरा नहीं होता है, यहीं से गुजरकर यह सड़क गवादर पोर्ट तक पहुंचती है। अगर भारत इस इलाके पर एक्शन करता है तो फिर सीपैक का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। बड़ी बात यह है कि भारत इस हिस्से को वापस हासिल करने की तैयारी जोर शोर से कर रहा है। वह दिन दूर नहीं है जब भारत पाकिस्तान को ठोककर इस इलाके को अखंड भारत का भूभाग बनाएगा। चीन ने अपना डर पाकिस्तान को जाहिर कर दिया है, जिसके बाद चीन की महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट सीपैक की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान ने बाकायदा दो स्पेशल सिक्योरिटी बनाने की तैयारी कर दी है। इस एसएसडी के द्वारा पाकिस्तान चीन को यह गारंटी देने की कोशिश में है कि पाकिस्तान की सेना की तरफ से इस प्रोजेक्ट पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। इस नई एसएसडी के द्वारा गिलगित बाल्टिस्तान और बलूचिस्तान में प्रोजेक्ट का विरोध करने वाले लोगों को भी खामोश किया जाएगा। गौरतलब है कि साल 2018 के बाद से सीपैक के काम की गति काफी धीमी हुई है। कई इलाकों में तो काम बिल्कुल बंद हो चुका है। ऊपर से भारत चीन के मौजूदा तनाव के चलते भी चीन को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं भारत पीओके पर कार्रवाई करके उसके सीपैक को ख्वाब ना बना दे। यानी दोनों मालिक गुलाम सीपैक की सुरक्षा के लिए सैनिक गठबंधन तैयार करने में लगे हैं। चीन भारत से इसलिए भी आतंकित है क्योंकि लद्दाख में चीन की दादागिरी का असर बहुत ही बुरा हो रहा है। चीन को भारत से सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि वह इतने आक्रामक तरीके से चीन के साथ पेश आएगा, मगर यह भारत ने उसका गुमान न केवल चकनाचूर कर दिया बल्कि आज सीडीएस बिपिन रावत के बयान ने उसके हाथ पांव भी कपा दिए हैं। सीडीएस रावत ने चीन को साफ इशारा कर दिया है कि अगर बातचीत असफल हुई तो फिर भारत के पास सैन्य विकल्प मौजूद है। यानी चीन ने जिन पहाड़ों पर चढ़ने की कोशिश की थी, अब वह पहाड़ दरकने की तरफ बढ़ने लगे हैं। पाकिस्तान जैसा कंगला और फंटर मुल्क भी उसके लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया है। चीन की समझ में नहीं आ रहा है कि वह भारत से लड़े या फिर इस भिखारी मुल्क को कर्ज बांटे, क्योंकि महीने में 3-4 बार पाकिस्तान से आने वाले भीख के फोन उसकी टेंशन को बढ़ा रहे हैं। वैसे शी जिनपिंग को माओ का वह मंत्र याद नहीं है जिसमें उन्होंने कहा था कि उस व्यक्ति को भूल से भी दोस्त न बनाओ जिसकी आर्थिक स्थिति खराब है। ऐसा व्यक्ति अपने साथ मददगार को भी ले डूबता है। आज माओ की यही शिक्षा न मानना चीन के लिए मुसीबत बन चुकी है, क्योंकि साल 2014 में जब सीपैक की शुरुआत हुई थी तब भारत से कांग्रेस का सूरज अस्त हो रहा था। पाक चीन को यही लगता था भारत की अंतरराष्ट्रीय कूटनीति का दायरा समाप्त हो चुका है। उस समय दुनिया में पाकिस्तान की आवाज ज्यादा गूंजती थी। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया तक पाकिस्तान को अहमियत देते थे। साथ में चीन का वर्दस्त होने से पाकिस्तान खुद को ज्यादा सुरक्षित समझने लगा था, मगर 2014 के बाद परिस्थितियां ऐसी बदली कि पाकिस्तान कंगाल मुल्क बन गया और उसका ऑल वेदर फ्रेंड दुनिया में अलग थलग पड़ा है। जिस सीपैक के लिए जिनपिंग ने अपना पूरा दम लगा दिया था, आज उस पर भारत का खतरा मंडराने लगा है। बड़ी बात यह है कि यह खतरा केवल अंधे से मात्र तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खतरा 100% बना हुआ है, जहां भारत खुलकर चीन पाकिस्तान को चेतावनियां जारी कर रहा है। पाकिस्तान की हालत तो उस घोड़ू की तरह हो चुकी है जो एक टांग तुड़ाकर 20 किलोमीटर की रेस की बकलोली करता है। इसका ताजा उदाहरण तब देखने को मिला जबकि अपने सुप्रीम कोर्ट के गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव कराने के आदेश को वह पूर्ण नहीं कर पाया। यह स्थानीय चुनाव 18 अगस्त को होने थे, मगर भारत ने पाकिस्तान को ऐसी घुड़की दी जिसमें पाकिस्तान के कान तक नहीं हिल सके। वैसे पाकिस्तान से पहले चीनी ऐसा बन चुका है कि भारत पीओके के लिए जान देने वाला नहीं है, बल्कि मुल्लाओं की जान लेने के लिए उतारू है। भारतीय सेना जिस तरह एलओसी से लेकर एलएसी तक अपनी तैनाती बढ़ा रही है या फिर बढ़ा चुकी है, उसके मंसूबे यकीनन बेहद ही खौफनाक है। भारत इस समस्या को अब अधिक पालने के मूड में नहीं है, इसलिए चीन पाक के साथ मिलकर सीपैक को बचाने की लगातार कोशिशें कर रहा है। चीन ने इसके लिए पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति शुरू कर दी है। यह पीओके को बचाने की चीन पाकिस्तान की आखिरी कोशिश है।
पाकिस्तान चीन की मदद से 152 कैलिबर माउंटेन गन सिस्टम की खरीद कर रहा है। साथ ही SH-15 तोपों का इवोल्यूशन भी कर रहा है, जबकि 36 H-15 तोपों को पाकिस्तान चीन से खरीद सकता है। पाकिस्तान इन आर्टिलरी को खरीद कर पहाड़ी इलाकों में तैनात करना चाहता है, ताकि पीओके पर भारतीय हमले की सूरत में वह भारत को चुनौती दे सके। यानी खलबली की हालत केवल मुल्लाओं के तबेले में ही नहीं है, चीन को भी कहीं ना कहीं विधवा होने का भय सता रहा है। वैसे भी भारत पीओके की तरफ अपने कदम बढ़ा चुका है, भारत के लिए यह इलाका हासिल करना उसका एक लक्ष्य बन गया है। पार्लियामेंट्री रेजुलेशन भी इस लक्ष्य को पाने का कहीं ना कहीं दबाव बढ़ाता है। ऐसे में जल्दी ही पाकिस्तान में इद्दत और चीन में विधवा विलाप का सामूहिक आयोजन तय है। पाकिस्तान में फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो पहले इमरान को संकेत कर चुके हैं कि मियां तुमसे नहीं हो पाएगा, अब बात श्रीनगर की छोड़ो, मुजफ्फराबाद कैसे बचेगा इसकी सोचो। पर मियां एक ही सलवार में नारे बदलते बदलते तंग आ चुके हैं। भारत पाकिस्तान को साफ कह चुका है कि पीओके खाली कर दो, मगर बावजूद लौंडा तय कर चुका है कि जब तक पाकिस्तान में इद्दत की फैक्ट्री नहीं खुलेगी उसका कलेजा ठंडा होने वाला नहीं है। यानी इमरान बिना पिटाई ठुकाई के पीओके देने वाला अर्गिज नहीं है, और भारत भी कहीं ना कहीं यही चाहता है कि इनकी तस्वीर को एक बार फिर से अच्छे से बचाया जाए। यूं भी काफी वक्त से ये बकलोली कम भीख मांगने पर ज्यादा ध्यान लगाए हुए हैं, इसलिए भारत भी इस मौके को भुनाने की फिराक में है। पाकिस्तान की फौज किसी खुजलाए कुकर की तरह कभी रावलकोट तो कभी इस्कार्दू में दौड़ लगाती घूम रही है, मगर इन तमाम तैयारियों के लिए खजाने में ढेला तक नहीं है। अगर आज भारत पाक के बीच संघर्ष छिड़ता है तो पाकिस्तान के पास 48 घंटों के लिए भी तेल का जो भंडार नहीं है। ऐसे में तैमंदबाजों का मनोबल बढ़ाने के लिए बाजवा के डंडा आया हुआ है कि वे चलते रहे, हवाई जहाज का तेल फूंक कर हौसला बढ़ाते रहे। हास्यास्पद स्थिति तो तब हो गई जब कराची में भारत आया का ऐसा शोर मचा कि पाकिस्तान की बिजली कंपनियों ने सारे फीडर बंद कर दिए और कराची में ब्लैकआउट जारी कर दिया गया। इससे पता चलता है कि मुल्लाओं के तबेले में खलबली बेवजह नहीं है, बल्कि पाकिस्तान को अंदेशा हो चुका है कि मोदी की लातों से पिटाई का वक्त करीब है। पीओके तो जाना निश्चित है ही, साथ में इस मुल्ला मुल्क के चार टुकड़े होने भी तय है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम। इंडिया कश्मीर 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 इंडिया कश्मीर 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 कश्मीरीज इंडिया कश्मीरी इंडिया कश्मीर।